हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स और झट से ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो, ये जो है एनसीईआर, जो मैं सीरीज़ के बारे में बस 10 सेकंड में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम आदित्य कुणाल है और मैं अन अकेडमी पे मौजूद हूँ। वहाँ पे आपको बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, आपको वहाँ जाके देखना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिंक्स तो मेरे डिस्क्रिप्शन में और बहुत जगह, जितना भी डिस्क्रिप्शन सब जगह प्रोवाइडेड है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा प्रोवाइडेड है आप लोग को, तो आप कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। रही बात एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसमें जितने भी एनसीईआरटी के अहम अहम पॉइंट हैं, जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी एस ब्लॉक और खत्म करते हैं इसे जल्दी जल्दी। और आप लोग का ऐसा रहेगा ना कि आप लोग चाहेंगे तो 2 दिन में पूरा केमिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे। तो मतलब ऐसा वाला लेक्चर होना चाहिए कि आप एक चैप्टर बहुत कम समय में हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा वाला कुछ कोशिश करते हैं, अभी कोई वादा नहीं है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। हिम्मतें मददा तो मददे खुदा, है कि नहीं। जितना ज़्यादा हिम्मत रखेगा आप लोग को उतना ज़्यादा ही काम आएगा। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला पॉइंट देखो करना क्या है। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप आपको याद होने चाहिए। ग्रुप्स कैसे कैसे हैं, पहला ग्रुप का बताओ, जो ग्रुप 1 है क्या है उसमें बताओ। पहले लिथियम से स्टार्ट करना है, हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं कर रहे हम लोग, बिकॉज हाइड्रोजन को हम लोग पीरियडिक टेबल में अलग से रखते हैं, ठीक है ना। भले उसमें 1s2 1s1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, 1s में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए उसको ग्रुप 1 के ऊपर रखते हैं, लेकिन वो है एक्चुअली में आपका अलग, ठीक है, वो अलग है। तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर बताओ जल्दी बताओ आगे, जल्दी बताओ यार। रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। ग्रुप 2 में बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉनशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब बताओ दोनों के ग्रुप में जो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन कौन से हैं, बताओ। फ्रांशियम और रेडियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम के बारे में एक फैक्ट बताऊं, रेडियम जो है ना वो मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था, ठीक है, ध्यान रखना। पोलोनियम को भी उन्होंने डिस्कवर किया था, बहुत तो फेमस साइंटिस्ट हैं, मतलब कि फीमेल एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा सा वो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मुझे वो बहुत पसंद है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एनसीईआरटी पहला लाइन लिख रहा है द एलिमेंट्स। देखो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करता चला जाऊंगा ताकि आप लोग को उतना समझ में आए कि कहाँ कहाँ है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिफर्स, इसका मतलब हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी साफ साफ बोल रहा है कि आपको फर्स्ट एलिमेंट के बारे में सब चीज़ पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह से पहला एलिमेंट के बारे में देखते हैं। देखो जो जो मेन मेन फैक्ट है ना उसको मैं स्किप करूंगा, सॉरी मतलब कि जो जो जनरल फैक्ट्स हैं उसे स्किप करूंगा। जैसे मैं बोलूंगा पहला इलेक्ट्रॉन आपका 1s1 में जाता है, दूसरा 2s2 में जाता है, तो इसीलिए ग्रुप 2 होता है, इसीलिए ग्रुप 1 होता है, तो दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स मैं इनको स्किप करने वाला हूँ और बस यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर मैं कौन से फैक्ट्स बताने वाला हूँ भाई, तो भाई मेन मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेन मेन पॉइंट्स नहीं बताने वाला, मेन मेन ही पॉइंट्स बताएंगे। तो क्या है यहाँ पे, बेरिलियम को एक्सेप्शन बोलता है एनसीईआरटी, बोलता है बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलो बच्चों लोग। क्यों नहीं बोलो, बिकॉज बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, अल्कलाइन नहीं होता है नेचर में। अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन यानी कि बेसिक और होते हैं, और उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, मेनली ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में मिलता है। फिर हम लोग पहले ग्रुप को अल्कलाइन मेटल क्यों कहते हैं, बिकॉज उनका हाइड्रोक्साइड जो होता है पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद स्ट्रॉन्गली अल्कलाई यानी कि बेसिक नेचर दिखाता है। आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट और इस पेज पे, और कौन सा पॉइंट है चलो नोट्स देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। एक मेन पॉइंट क्या है इसमें, फ्रेंशियम के पास हाफ लाइफ होता है 21 मिनट्स का, इट इज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैल्शियम 5th और मैग्नीशियम 6th है अकॉर्डिंग टू अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। और रेडियम इज फाउंड इन इग्नियस रॉक, रेडियम जो होता है इग्नियस रॉक में मिलता है हमें। यही इस पेज में मेन मेन पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज मूव ऑन करते हैं। तो भैया इस पेज में क्या है, तो चलो इस पेज को देख लेते हैं। एक देखो 16 पेज है मेरे पास, ठीक है, एनसीईआरटी का इस चैप्टर में, तो 16 पेज नहीं मतलब शायद 15-14 पेज है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग 1-2 मिनट के साथ देखेंगे, ठीक है ना, 2 मिनट में एक पेज में लगाएंगे, ऐसा मैं टारगेट लेके चला हूँ, लेट्स सी। लिथियम बेरिलियम जो होता है फर्स्ट एलिमेंट है दोनों ग्रुप का, इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट रहेगा। रीजन क्या होगा प्रॉपर्टी का डिफरेंट रहने का, इनका साइज छोटा होता है, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी इनका बहुत ज़्यादा होता है बाकी मेटल के करस्पॉन्ड अगर देखा जाए।
कंपैरिजन में। तो फिर ये डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लिथियम जो होता है मैग्नीशियम के साथ डायगनल रिलेशनशिप शो करता है और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ शो करता है, ठीक है ना। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका डायगनल रिलेशनशिप शो करने का क्यों रीज़न है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम का जो आयनिक साइज होता है और चार्ज अपॉन जो रेडियस रेशियो जाए, चार्ज रेडियस रेशियो जो होता है वो लगभग सिमिलर होता है, और सेम रीज़न बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, 1s2, 1s1, 2s1, 3s1 इस ढंग से आएगा, नीचे की ओर आएगा, लिथियम से फ्रांशियम की तरफ आएंगे, नीचे आएंगे तो हमारा आयनिक साइज और एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे शेल का एडिशन होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का एडिशन होता चला जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वो घटता है ऊपर से नीचे आने वक्त, बिकॉज साइज बढ़ रहा होता है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड होता है, तो क्योंकि चूंकि कम फोर्स लग रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसी कारण से वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाता है बाहर, ठीक है ना, वो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकल जाता है और आसानी से निकल जाता है जितना साइज बड़ा होता है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे घटेगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब होता है कि मान लो कि एक छोटा सा बॉल है, ठीक है, एक छोटा सा बॉल, मैं पिछले बार लेक्चर में मैंने बनाया है चीज को, छोटा सा ये मान लो बॉल है, ठीक है, और इसके अक्रॉस बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स आके अटैक इसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। रीजन क्या है अट्रैक्ट होने का, अट्रैक्टेड भी कि मान लो कि जो कोई भी चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, ठीक है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और इसके बाहर यानी कि इसके चारों तरफ एक H2O मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है, जो मैंने स्क्वायर बॉक्स से बनाया है, ये H2O मॉलिक्यूल्स का चारों तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये जो छोटे से गोला को देख रहे हो, ये जो चार्ज अगर जितना ज़्यादा इसके ऊपर रहेगा और साइज जितना छोटा रहेगा, उतना ज़्यादा H2O इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा, और जितना ज़्यादा H2O इस पे अट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा एनर्जी इसके निकलेगी बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कहने का मतलब। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि निकल रहा होता है जब H2O मॉलिक्यूल्स किसी आयन के पास अट्रैक्ट होता है, तो ये कब होता है ज़्यादा, जब हमारे पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। सोचो, लिथियम का साइज बहुत छोटा है और सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, और सीजियम लिथियम पे चार्ज एक ही है, दोनों पे एक एक चार्ज है, लेकिन चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है लिथियम का वो बहुत ज़्यादा है, सीजियम का बहुत कम, इसी कारण से लिथियम का हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है और सीजियम का बहुत कम होता है, और इसी कारण से लिथियम का जो साल्ट होता है यानी लिथियम क्लोराइड, वो आपको हाइड्रेटेड दिखाई देता है, 2 H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है इन मेटल्स का, वो सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। लिथियम थोड़ा सा हार्ड होता है, ये ध्यान रखना। इनका डेंसिटी कम होता है, जो कि नीचे आने वक्त जैसे लिथियम से सीजन की तरफ आप बढ़िएगा तो वो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा चेंज है, वहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, इस एक्सेप्शन को ध्यान रखना है कि पोटेशियम का जो डेंसिटी होता है वो सोडियम से कम होता है, तो जो जो सीरीज है वो आपको कुछ यूं दिखाई देगा, जो सीरीज है आपको वो कुछ यूं दिखाई देगा, लिथियम के बाद आएगा पोटेशियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा रुबिडियम, फिर आएगा सीजियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ये बंसन बर्नर पे कलर शो करते हैं, इसको फ्लेम फोटोमेट्री या फिर एटॉमिक एजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और जो कलर है वो कलर क्या है, लिथियम का क्रिमसन रेड, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, रुबिडियम का रेड वॉयलेट और सीजियम का ब्लू, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और इसको ध्यान एक बात और क्या रखना है कि जब इनको हम लाइट से इरेडिएट करते हैं, मतलब इनके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, लाइट इनके ऊपर जब डालते हैं हम लोग, तो लाइट के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इस कारण से इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सीजियम और पोटेशियम को हम लोग आराम से फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सीजियम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो यहाँ पे क्या है, लिथियम का बहुत ज़्यादा है, -3.04 है, और सोडियम का सबसे कम है, यानी लिथियम के सबसे ज़्यादा, सोडियम सबसे कम, क्योंकि देखो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का 2.7 से ज़्यादा होता है, 2.925, 2.930, 2.927, ठीक है, ज़्यादा है, जो कि सोडियम का सबसे कम है और लिथियम का अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान रखना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, जो एयर की तरफ ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इसको देखना है। तो लिथियम जो होता है मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्साइड कह सकते हैं, लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम परऑक्साइड, और जो लार्जर मेटल होते हैं वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। रीजन क्या है
क्योंकि जो लैटिस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि लार्जर आयन जो होता है वो लार्जर कटायन के कारण, लार्जर अनायन जो होता है लार्जर कटायन के कारण स्टेबलाइज होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो मेटल होते हैं अल्कलाई मेटल, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ड्राई एयर के साथ आराम से रिएक्ट कर लेते हैं, अगर आप इसको हवा मिला के रख दीजिएगा तो तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और बाकी मेटल सुपर ऑक्साइड बना लेगा। लिथियम यहाँ तक कि नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, Li3N बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे सब चीज़ मार्किंग किया हुआ है, और इनको इसीलिए हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि इनका जो रिएक्शन है वो ना हो पाए एयर के थ्रू, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग चार्ज, अगर ऑक्साइड आयन पे देखा जाए तो ऑक्साइड आयन में एक ओ के ऊपर दो माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर परऑक्साइड को देखा जाए तो एक ओ के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है, और सुपर ऑक्साइड में ओ टू के ऊपर माइनस वन या फिर एक ओ के ऊपर माइनस हाफ चार्ज होता है, ठीक है ना। आते हैं पानी की तरफ इसका रिएक्शन, इन मेटल्स का रिएक्शन। तो पानी की तरफ रिएक्शन देखोगे तो उसमें क्या है कि लिथियम जो होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, -3 होता है, लेकिन फिर भी लिथियम ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ, इसको ध्यान रखना है। बाकी मेटल इतने ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं कि एक्सप्लोज कर जाते हैं, फट जाते हैं पानी के साथ रिएक्शन करने समय। और लिथियम क्यों नहीं रिएक्ट कर पाता, लिथियम इसीलिए नहीं रिएक्ट कर पाता बिकॉज इसका साइज बहुत छोटा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है ना। तो इसीलिए लिथियम का भले ही निगेटिव वैल्यू हो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका रिएक्शन विथ वाटर इज लेस विगरस, इट रिएक्ट्स, ये रिएक्ट करता है लेकिन, और लेकिन क्या होता है कि ये लेस विगरसली रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता। और बनाता क्या है, ये सब बनाता है हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब Li H2 से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा LiOH, जब बेरिलियम रिएक्ट, जब हमारे का मान लो सोडियम रिएक्ट करता है तो बनाएगा NaOH, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। तो डाइहाइड्रोजन यानी कि H2 के साथ रिएक्ट करता है जो ये सारे मेटल्स, ठीक है, डायरेक्टली H2 साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे हाइड्राइड, ठीक है ना, LiH, NaH, MKH, RBH, ठीक है ना। लेकिन लिथियम जो होगा थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, यानी 1073 केल्विन जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और 673 केल्विन पे रिएक्ट करता है हमारा बाकी सारे मेटल, लेकिन लिथियम का ज़्यादा टेम्परेचर ये होता है। सिंपल सिंपल बात, रीज़न क्या है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो चूंकि साइज छोटा होने का क्यों टेम्परेचर जरूरत है, सोचो तो जब नीचे आ रहे थे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा घट रहा था, है ना, क्योंकि सीजन साइज बहुत बड़ा था लेकिन लिथियम साइज बहुत छोटा था, तो इसीलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है बाकी मेटल से कंपैरिजन में। इसी कारण इसको हीट का जरूरत पड़ेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, ठीक है। तो तेज बोल रहा हूँ बिकॉज एस ब्लॉक बहुत लंबा है और उसको जल्दी खत्म करना है हमें, ठीक है, सॉरी। आप इसको 0.75 स्पीड पे करके देखिएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हैलोजन, सॉरी, हैलोजन की तरफ रिएक्टिविटी देखते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, आयनिक हैलाइड बनाते हैं, लेकिन लिथियम के हैलाइड कुछ हद तक कोवेलेंट होते हैं। रीजन है फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता है, ये कटायन जितना छोटा होता है, जितना ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर होता है उतना ज़्यादा वो पोलराइज करता है, जितना ज़्यादा पोलराइज करेगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई देगा। और उसके लिए एक चीज़ और फेवरेबल होना चाहिए कि अनायन का, यानी कि जो निगेटिव चार्ज आयन है उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, तो कटायन का साइज बहुत छोटा, चार्ज ज़्यादा, अनायन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, ये रीजन है कोवेलेंसी का। तो LiI अगर देखा जाए, यानी लिथियम आयोडाइड, जिसमें जो आई है उसका साइज बहुत बड़ा है और लिथियम का साइज बहुत छोटा है, चार्ज बहुत +1 है लेकिन साइज बहुत छोटा, चार्ज डेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर, बाकी हैलाइड्स को अगर इनका छोड़ दें तो, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर इनके पास ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा रहेगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि इसका जो निगेटिव ये मेटल्स हैं अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो तीन एनर्जी से आता है हमारे पास, सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी से आता है, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम का हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना नेगेटिव क्यों होता है, बिकॉज उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने लिखा है, इन तीनों से मिल करके हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैंने नॉर्मल लेक्चर्स में कराया है, देख लेना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा कि जितना ज़्यादा निगेटिव हो रहा है उतना ज़्यादा हमारा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो लिथियम के लिए -3 है, तो सबसे ज़्यादा पहले लिथियम का दिखाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर बाकी आयन उससे जाएंगे, ठीक है ना। इन सब में हम लोग को सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है।
ठीक है, देखो यहाँ पे जीरो से नेगेटिव में हो रहा है, जीरो से नेगेटिव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, प्लस से जीरो हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है लिक्विड अमोनिया में। जब अमोनिया लिक्विड रहता है और उसमें हम लोग इन मेटल्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो हमें देता है एक तरह का सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का कलर याद रखना है डीप ब्लू सॉल्यूशन। जब यही काम हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल में करेंगे तो वहाँ पे डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे डीप ब्लू सॉल्यूशन है, ध्यान रखना थोड़ा सा अंतर है। फिर दूसरी बात क्या कि ये कंडक्टिंग होता है नेचर में, इसके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्टिंग होगा नेचर में, पहला चीज़। दूसरा, इसका कलर ब्लू होगा। तीसरा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण होने के कारण इसका कलर होता है, ये कंडक्टिंग होता है नेचर में, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। कलर क्या होता है? ब्लू होता है। फिर क्या एक एंजाइटी पॉइंट लगता है कि अगर इस सॉल्यूशन को हम लोग थोड़े देर के लिए छोड़ दें, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये NH3 के साथ रिएक्ट करके और इलेक्ट्रॉन साथ रिएक्ट करके बनाएंगे एमाइड। ठीक है, क्या बनाएंगे? एमाइड, सोडियम एमाइड, लिथियम एमाइड, पोटेशियम एमाइड, ऐसे एमाइड बनाएंगे, यानी कि Li(NH2), NaNH2, KNH2, ऐसे करके। ठीक है, और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। एक पॉइंट और क्या लिखते हैं एनसीईआरटी, कि अगर ये सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट ना हो, कंसनट्रेटेड हो, तो इनका कलर ब्लू नहीं होता, ब्रॉन्ज होता है, और ये पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक होते हैं। यूजेस देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या है, इसके लिए हम लोग अपना नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, नोट्स में क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं। व्हाइट मेटल जो होता है एक एलॉय है, जो कि लिथियम और लेड से बनता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम को एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं पार्ट बनाने के लिए, मैग्नीशियम को आर्मर यानी कि कवच बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस्तेमाल होता है, और सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इस्तेमाल होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आता है एक एंटी नॉक कंपाउंड। व्हाट आर एंटी नॉक कंपाउंड? तो एंटी नॉक कंपाउंड आर यूज्ड इन पेट्रोल, एंड एंटी नॉक कंपाउंड्स आर टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड। ठीक है ना, और ये होते क्या है, इनके सोडियम और लेड एलॉय का यूज करके इन एंटी नॉक कंपाउंड को बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, लेकिन आज इसका यूज नहीं होता, बिकॉज हम लोग को लेड फिटरी पेट्रोल चाहिए होता है, और पेट्रोल में हम लोग लेड नहीं मिलाते, बिकॉज लेड से कैंसर होता है। लिक्विड सोडियम मेटल जो होता है इज यूज एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर, इज यूज एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, फिर आते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप में, और पोटेशियम एक एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि पोटेशियम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है ना, आते हैं हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसका हम लोग को देखना है जो कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, तो कंपाउंड्स में देखते हैं क्या क्या पॉइंट अहम है हमारे पास। लिथियम जो होता है ऑक्साइड, पहला कंपाउंड क्या है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम जो होता है वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, समटाइम्स लिथियम परऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, समटाइम्स सोडियम सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। लेकिन देखो, सोडियम जो है ऑक्साइड नहीं बनाया, नीचे नहीं गया। उसी तरह से जो बाकी भारी मेटल हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, नीचे के कुछ नहीं बनाते, यानी परऑक्साइड या फिर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं वो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जितने भी जो ऑक्साइड है, अगर इनको अप्रोप्रिएट कंडीशन दिया जाए तो ये प्योर के प्योर फॉर्म भी हो जाते हैं। फिर ये क्यों, जो बाकी बड़े मेटल्स होते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सुपर ऑक्साइड ही क्यों बनाते हैं? बिकॉज इनका लैटिस एनर्जी इफेक्ट के कारण क्या होता है कि लार्जर कटायन लार्जर अनायन से ही स्टेबलाइज होता है। फिर एक पॉइंट क्या है इनका, कि ये जितने भी ऑक्साइड हैं ये इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, और हाइड्रोलाइज करोगे तो बनाएगा ये हाइड्रोक्साइड। पॉइंट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए, यानी H2O से रिएक्ट कराया जाए, तो वो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म होता है यहाँ पे, लेकिन ऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। दूसरी बात क्या कि ऑक्साइड और परऑक्साइड जो होते हैं इनके वो कलरलेस होते हैं, प्योर होते हैं, जब जब प्योर होंगे तो कलरलेस होंगे। लेकिन सुपर ऑक्साइड जो इन मेटल्स का होता है वो येलो या फिर ऑरेंज कलर का होता है। क्यों? क्योंकि सुपर ऑक्साइड और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और सोडियम परऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब लिख रहा है YKO2 इज पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ये एक सुपर ऑक्साइड है, O2 माइनस के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कहाँ होता है? तो यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ होता है। ठीक है, दिख रहा है, ये यहाँ पे होता है। ओके, फिर आते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड पे। हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जब हम लोग ऑक्साइड को, तो बनते हैं, और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह वाटर में इवॉल्व करते हैं ये, बहुत ज़्यादा हीट, बिकॉज इनका हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। आते हैं हैलाइड्स पे। इनका जितने भी हैलाइड्स हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आयनिक हैलाइड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है ना,
जब इनको प्रिपेयर करना होता है तो इन जो भी ये जो लिथियम सोडियम यानी कि अल्कलाई मेटल का ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट है, आप इनका कुछ भी ले लीजिए, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ले लीजिए, उसमें आप एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड डाल दीजिए। हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब HCl, HF, HBr, HI ऐसे एसिड को डाल दीजिए, तो ये क्या बनाएंगे, अल्कलाई मेटल हैलाइड बना लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो हम लोग ये प्रिपरेशन देख लिए हैलाइड का, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूजिंग ढंग से लिखा है, फिर से बता रहा हूँ। देखो ऐसे ही 20 मिनट हम लोग का हो चुका है कि नहीं, तो अभी जल्दी जल्दी देखते हैं, थोड़ा सा और तेज़ी से करते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा और तेज़ी करने का। देखो देखो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर समय लगेगा तो समय देना पड़ेगा, बिकॉज अगर मार्क्स चाहिए तो समय तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए ध्यान से देखो जितने जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। अब क्या है कि जितने भी हैलाइड्स होते हैं उनको फॉर्मेशन में नेगेटिव इंथैल्पी लगता है, हाई नेगेटिव इंथैल्पी होता है, इसका मतलब उनके फॉर्म करने समय एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ज़्यादा वो एनर्जी निकलता है उस समय। और इसी कारण से यहाँ पे हम लोग नोट्स का इस्तेमाल करेंगे, नोट्स में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बहुत इजीली ढंग से लिखे हैं। देखो जितने भी हैलाइड्स होते हैं उनका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो नेगेटिव होता है और ये डिक्रीज करता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी आयोडीन को बनाने समय जितना एनर्जी निकलेगा उससे ज़्यादा एनर्जी फ्लोरीन को बनाने समय निकलेगा यानी फ्लोराइड को बनाने निकलेगा। यानी कि अगर हम लोग अल्कलाई मेटल का फ्लोराइड बनाएंगे तो जितना एनर्जी निकल रहा है उससे कम एनर्जी निकल रहा होता है आयोडाइड बनाने समय, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी फ्लोराइड आयन का ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कंपाउंड्स का, ठीक है ना। फिर आते हैं, अब हम लोग सेपरेटली बात करेंगे फ्लोराइड के बारे में और सेपरेटली बात करेंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के बारे में। ये क्या है यहाँ पे कि फ्लोराइड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये अलग ढंग का यहाँ पे कंपाउंड होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब नीचे आते हैं ऊपर से यानी लिथियम से जब सीजियम की तरफ आते हैं तो स्टेबिलिटी जो होती है ना वो घटती है, इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो हीट और फॉर्मेशन होता है वो लेस निगेटिव होता है यानी एनर्जी कम निकल रहा होता है। यानी जब लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगा, सीजियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे तो एनर्जी कम निकलेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब हम लोग क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का बात करते हैं तो यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो नीचे जाने पे ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसका मतलब सीजियम क्लोराइड बनाएंगे या सीजियम ब्रोमाइड बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगा इन कंपैरिजन टू लिथियम क्लोराइड या लिथियम ब्रोमाइड बनाने से में, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जो ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है जहाँ से, तो सीजियम क्लोराइड सीजियम ब्रोमाइड इज मोर स्टेबल देन लिथियम क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है इस पॉइंट को। तो फ्लोराइड के लिए नीचे आने पर स्टेबिलिटी जो होती है वो घटती है अल्कलाई मेटल का, लेकिन अल्कलाई मेटल की क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में नीचे आने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी से आप लोग एनर्जी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका ज़्यादा एनर्जी कम होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने पर जो ट्रेंड होता है वो होता है घटने का, ठीक है ना, वो होता है घटने का फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नीचे आने पर वो घटता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम लोग ने यहाँ पे देखा है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो द ट्रेंड एफ सी एल बी आर एंड आई। जितने भी हैलाइट होते हैं सारे के सारे सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ये ध्यान रखना है। फिर लिथियम फ्लोराइड जो होता है वो लेस सॉल्यूबल होता है, क्यों, बिकॉज इसका लैटिस इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से सीजियम आयोडाइड जो होता है लेस सॉल्यूबल होता है, क्यों, क्योंकि उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत कम होता है। दोनों में अलग अलग पॉइंट्स हैं, लिथियम फ्लोराइड क्यों होता है कम सॉल्यूबल, हाई लैटिस इंथैल्पी के कारण, सीजियम आयोडाइड क्यों होता है लेस सॉल्यूबल बिकॉज ऑफ स्मॉल हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये पता होना चाहिए कि जो भी सॉल्यूबल होता है कंपाउंड उसमें हम लोग एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी अगर उस कंपाउंड का रेस्पेक्टिव कंपाउंड का जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है लैटिस इंथैल्पी से उसके तो वो सॉल्यूबल होगा, अगर लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है तो वो लेस सॉल्यूबल या फिर नॉन सॉल्यूबल होगा, ठीक है। अदर जितने भी हैलाइड हैं लिथियम के वो सॉल्यूबल होते हैं इथेनॉल एसीटोन इथाइल एसीटेट में भी, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि वो हल्का सा क्या होता है कोरेंट नेचर होता है। लिथियम क्लोराइड जो होता है वो पाइरिडीन में भी सॉल्यूबल है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं ऑक्सो एसिड, तो ऑक्सो एसिड क्या होता है, तो ऑक्सो एसिड ऐसा कंपाउंड होता है जहाँ पे हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड होता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ऑक्सो ग्रुप होता है सेम कंपाउंड के ऊपर। देखो कार्बोनिक एसिड को एनसीईआरटी कैसे लिखता है, H2CO3 को CO यानी ऑक्सो ग्रुप और दो OH ग्रुप जोड़ा है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी देखो OS के साथ दो ऑक्सो ग्रुप और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ा गया है, ठीक है। जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं जनरली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और स्टेबल होते हैं। यहाँ ध्यान क्या रखना है, लिथियम कार्बोनेट जो होता है, लिथियम और कार्बोनेट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, बाकी सारे के सारे कार्बोनेट स्टेबल होते हैं। लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो लिथियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है जब उसको हम लोग हीट देते हैं तो, ठीक है ना। फिर क्या यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे
देयर कार्बोनेट्स एंड M2CO3 जो होता है, यहाँ पे देखो लिख रहा है कार्बोनेट्स और इन मोस्ट केसेस एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट्स आर ऑल हाईली स्टेबल टू हीट, दे आर हाईली स्टेबल टू हीट, ये ध्यान रखना है ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो लिथियम का कार्बोनेट बाई कार्बोनेट है, लिथियम का बाई LiHCO3 जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यही केस हम लोग मैग्नीशियम के साथ भी देखेंगे। आते हैं एनमेलस बिहेवियर लिथियम का, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो इसका बहुत ज्यादा होता है ठीक है। क्या क्या इसका एनमेलस बिहेवियर है, ये बाकी मेटल से हार्डर होता है। देखो अभी हम लोग खाली एस ब्लॉक का बात कर रहे हैं, उसमें भी खाली ग्रुप वन का बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मैं बाकी से बोल रहा हूँ ना, तो बाकी पूरे एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल में उनसे नहीं, इसका मतलब है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इनसे खाली कंपेयर कर रहा हूँ मैं। तो लिथियम जो होता है हार्डर होता है इन बाकी एलिमेंट से, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हार्डर होता है। लिथियम जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जो कि अदर मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं। LiCl डेलिक्विसेंट होता है नेचर में, LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड एक तरह का वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ये दो वाटर के साथ दो H2 के साथ क्रिस्टलाइज होता है, टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर होता है। बाकी मेटल क्लोराइड्स होते हैं यानी कि मान लो NaCl है या फिर KCl है, वो जितने भी हैं वो हाइड्रेट फॉर्म नहीं करते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, बाकी सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं। अदर एलिमेंट के तरह लिथियम जो होता है वो इथेनाइड नहीं बनाता है इथाइन के साथ रिएक्शन करने पे, यानी कि एसिटाइलिन गैस के साथ रिएक्शन करने पे ये एसिटाइलाइड नहीं बनाता है लिथियम, बाकी बनाते हैं ये बताया चुका है मैंने। फिर लिथियम ऑक्साइड जो होता है वो बनता है कब, जब लिथियम नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और NO2 बनता है और O2 भी बनता है ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड का डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, लेकिन बाकी जब हम लोग नाइट्रेट को हीट करते हैं, जो बाकी अल्कलाई मेटल के नाइट्रेट हैं, तो उनसे हम लोग को नाइट्राइट मिलता है ठीक है ना। यानी NaNO3 को हीट करोगे तो NaNO2 मिलेगा और ऑक्सीजन तो निकलेगा ही, दोनों में ऑक्सीजन निकल रहा है रिएक्शन में, लेकिन ऊपर वाले ध्यान रखना है कि लिथियम नाइट्रेट जो होता है लिथियम ऑक्साइड बनाता है। यही काम मैग्नीजियम भी करेगा और यही काम जो बाकी मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल वो भी करेंगे, लिथियम की तरह ही करेंगे। लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड, उसी ढंग से बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड बनते हैं और NO2 भी रिलीज होता है। लिथियम मैग्नीशियम में सिमिलैरिटी बहुत सारे हैं, सिमिलैरिटी का क्या है उनको देख लेते हैं। ये जितने भी लिथियम मैग्नीशियम जो भी हैं ये दोनों, ये सॉफ्ट होते हैं, सॉरी हार्ड होते हैं बाकी अपने ग्रुप के मेटल से, और साथ साथ ये थोड़े से लाइट भी होते हैं ठीक है ना, हल्के भी होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है और लेस सॉल्यूबल होता है ठीक है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड और लेस सॉल्यूबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग के बाद। ये पॉइंट देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एनसाइटी ने ऐड कर दिया है, इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है लिथियम मैग्नीशियम का वो डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग के समय। दोनों के दोनों नाइट्राइड फॉर्म करते हैं Li3N और Mg3N2, देखो यहाँ वैलेंसी का फर्क है इसलिए ऐसा हो रहा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं नाइट्रोजन के साथ N2 के साथ एयर में जो मौजूद है। फिर लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। जो कार्बोनेट होता है लिथियम और मैग्नीशियम का वो डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग करने पे, दोनों के दोनों अनस्टेबल कार्बोनेट बनाते हैं, और ये बनता क्या बनाता क्या है, ऑक्साइड बनाता है और CO2 बनाता है। ये दोनों के दोनों सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाते हैं। LiCl MgCl दोनों के दोनों इथेनॉल में सॉल्यूबल हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट ये जो है अहम है, जो कि नया है ठीक है ना, ये भी नया है ओके। फिर आते हैं हम लोग LiCl और MgCl2 डेलिक्विशन हो जाता है नेचर में और ये हाइड्रेट बनाता है, तो LiCl जो होता है 2H2 मॉलिक्यूल के साथ और MgCl2 8H2 मॉलिक्यूल के साथ। आगे चल के देखिएगा कहीं पे इसको एनसाइटी ने 6 भी लिखा है, लेकिन ध्यान रखना है कि 8 होता है, MgCl2 इज ऑलवेज 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे होता है। आते हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं हम लोग, सोडियम और कैल्शियम का मेन कंपाउंड देखना है हम लोग को ठीक है ना इस चैप्टर में। तो सोडियम का कंपाउंड देखेंगे, फिर हम लोग अगले बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल वहां पे कैल्शियम का कंपाउंड देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं सॉल्वे प्रोसेस से, करते क्या है यहाँ पे हम लोग NH3 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा NaCl भी रहता है, यानी कि एक एक्वस सॉल्यूशन लेना है आपको जिसके अंदर NH3 है, पहला अमोनिया है उस एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस है तो H2O तो रहेगा ही और साथ साथ उसमें अंदर NaCl के भी है, उससे हम लोग को CO2 पास करना है। CO2 क्या करेगा, NaCl से रिएक्ट कराएगा, फिर वो H2O से रिएक्ट करेगा और फिर वो NaCl से रिएक्ट करेगा, बनाएगा NH4Cl और NaHCO3। NaHCO3 इज लेस सॉल्यूबल, प्रेसिपिटेट कर जाता है, और ये NaHCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो Na
टू सी ओ थ्री बनता है, यानी वॉशिंग सोडा बन जाता है। वॉशिंग सोडा एक तरह का डेकाहाइड्रेट फॉर्म कंपाउंड है, इसके पास 10 हाइड्रोजन एच टू ओ होता है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इज लेस सॉल्यूबल इन द जो सॉल्यूशन होता है उसमें, कम सॉल्यूबल होता है पानी में, इसीलिए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और इसी कारण से इसको हीट करने पे हम लोग को, इसे क्रिस्टल को हीट करने पे हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है ना। इतना हो गया। फिर हम लोग जब एन एच फोर सी एल बनता है अमोनियम क्लोराइड, इससे अगर हम लोग को वापस से एन एच थ्री अमोनिया लेना है ताकि प्रोसेस दोबारा से शुरू कर सके सॉल्वेंट प्रोसेस को, हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको हम लोग सी ए ओ एच होल टू, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब क्या है, ये स्लेक लाइम है। स्लेक लाइम को जब इससे हीट कराते हैं तो बनता है हमारे पास एन ए एन एच थ्री और सी एस सी एल टू, यानी कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया, और वो पानी निकल जाता है। और इस एन एच थ्री को हम लोग दोबारा से सॉल्वेंट प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉल्वेंट प्रोसेस को हम लोग पोटेशियम बाइकार्बोनेट या फिर सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, के टू सी ओ थ्री बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज के एच सी ओ थ्री यानी पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो मोर सॉल्यूबल है इन वाटर, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता, वो क्रिस्टलाइज नहीं होता है, और एन ए एच सी ओ थ्री क्रिस्टलाइज हो जाता है। इसी कारण तो उसको हम लोग हीट कर पाते हैं, बिकॉज वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हमें मिलता है। लेकिन के एच सी ओ थ्री जब आपको मिलेगा ही इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो आपको हीट कैसे कीजिएगा, हीट नहीं कीजिएगा तो के टू सी ओ थ्री यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट आप नहीं बना सकते। यूज क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि वॉशिंग सोडा का, तो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पहले तो देखते हैं ये डेकाहाइड्रेट होता है, 373 केल्विन के आसपास अगर इसको हीट करेंगे तो ये 9 वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा और एन ए टू सी ओ थ्री डॉट एच टू ओ बनाएगा, यानी एक एच टू ओ मोनोहाइड्रेट बनाता है। लेकिन अगर 373 केल्विन से इसको ज्यादा पे हीट करते हैं तो ये सारे के सारे एच टू को रिमूव कर देता है और एनहाइड्रस फॉर्म बनाता है, और एनहाइड्रस फॉर्म इसका व्हाइट रंग का होता है, व्हाइट पाउडर होता है, और इसको सोडा ऐश कहते हैं, ठीक है। जो कार्बोनेट होता है एन ए टू सी ओ थ्री का, वो बनाता है जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कार्बोनेट का, वो दिखाता है हमें अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर, क्योंकि ये एच टू के साथ रिएक्ट करके ओ एच आयन रिलीज करता है पानी के अंदर। इसको हम लोग यूज करते हैं वाटर को सॉफ्ट बनाने में, लॉन्ड्रिंग में, क्लीनिंग में, ग्लास मैनुफैक्चर में, बोरेक्स मैनुफैक्चर में, कॉस्टिक सोडा के मैनुफैक्चर में, पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पे इसको हम लोग को व्हाइट सरफेस प्रोवाइड करना होता है, किसी को डीकलराइज करना रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। NaCl का बात करते हैं तो इंडिया में मैक्सिमम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि हमारा टेबल साल्ट, वो मेनली सी के वाटर को वेपोराइज करके बनाया जाता है। सी वाटर में 2.7 to 2.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेकर 3% तक, 2.5 से 3% तक सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। क्रूड सोडियम क्लोराइड हम लोग जनरली ऑप्टेन करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करके ब्राइन सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग को मेनली कुछ इंप्योरिटीज मिलता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का इंप्योरिटी मिलता है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड डेलिकेसेंट होता है नेचर में, यानी कि एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को हवा से, ठीक है ना। इसको प्योरीफाई कैसे करते हैं, तो पहले फिल्टर करते हैं ताकि जितना भी इनसॉल्युबल कंपाउंड है वो निकल जाए, फिर इससे हम लोग सी ओ टू पास कराते हैं, सॉरी इससे हम लोग एच सी एल गैस पास आउट कराते हैं इस सॉल्यूशन से। जब ब्राइन सॉल्यूशन से जब एच सी एल गैस पास आउट होता है तो एन एस सी एल क्रिस्टलाइज होकर के निकल आता है, लेकिन एम जी सी एल टू और सी एस सी एल सॉरी सी एस सी एल टू, हाँ, वो क्रिस्टलाइज नहीं होता बिकॉज दे आर मोर सॉल्यूबल देन एन ए सी एल, ठीक है ना। सी एस सी एल टू एम जी सी एल टू आर मोर सॉल्यूबल देन एन ए सी एल, इसलिए कि क्या होता है कि एन ए सी एल जो होता है क्रिस्टलाइज होकर के बाहर आ जाता है हम लोग को, और हम लोग NaCl बना लेते हैं। और NaCl के जो इंप्योरिटी है कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का, वो सॉल्यूशन में घुला हुआ रहता है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं और वो निकल गया, इंप्योरिटी हमारा साफ हो गया। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो पानी के अंदर 36 ग्राम होता है NaCl का सॉल्युबिलिटी, और सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है 1081 यानी कि 1081 केल्विन के आसपास, और इसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा बढ़ता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा उतना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका। फिर हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्यों करते हैं, सोडियम परोक्साइड बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, और सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, ठीक है ना। आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे बनता है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं हम लोग NaOH को। इसको बनाते हैं हम लोग कास्टनर केलनर सेल से। कास्टनर केलनर सेल का खूबी क्या है कि इसका कैथोड जो होता है वो मर्क्यूरी का होता है और एनोड जो होता है कार्बन का होता है। कैथोड पे सोडियम अमलगम बनता है, इस सोडियम अमलगम को हम लोग पानी से रिएक्ट करके NaOH बनाते हैं और HG वापस में हम लोग को निकल जाता है, ठीक है ना। उसका क्या करते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैसा होता है भाई, तो ये व्हाइट होता है, ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है, ये 591 केल्विन पे मेल्ट होता है, ये पानी के अंदर रीडिली सॉल्यूबल कंपाउंड है, ठीक है ना। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है, NaOH है, साफ साफ दिख रहा है कि OH है, ये अल्कलाइन होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो एटमॉस्फेयर के CO2 से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बनाता है, और उस लेयर का कंपाउंड जो होता है वो होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बो हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो है अगर CO2 से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, और सोडियम का सॉल्यूशन ऐसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐसा कर सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डेलिकेशन होता है, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है एटमोसफेयर से। कहाँ यूज़ करते हैं, तो सोप के मैन्युफैक्चर में, आर्टिफिशियल सिल्क के मैन्युफैक्चर में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक में, यानी कि इसको जब कॉटन फैब्रिक को चमक देना रहता है तो उसमें यूज़ करते हैं, प्योर फैट और ऑयल के प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, और लेबोरेटरी एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आते हैं बेकिंग सोडा पे, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट पे आते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग में, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो वो CO2 रिलीज़ करता है, और उस CO2 से क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं केक के अंदर, पेस्ट्रीज के अंदर, ब्रेड के अंदर, उसको फ्लफी नेचर देते हैं, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाते हैं हम लोग, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट में H2 और CO2 को रिएक्ट कराते हैं, तो बनता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ बेकिंग सोडा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्यों बना पाते हैं, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो लेस सॉल्यूबल होता है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट से लेस सॉल्यूबल होता है, इसीलिए प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। फिर क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक माइल्ड एंटीसेप्टिक है फॉर स्किन, और इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सोचो जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, Na2CO3 को जब हम लोग हीट करते हैं पानी के अंदर डाल करके, ठीक है ना, पानी के अंदर डाल करके, और फिर क्या करते हैं इसमें CO2 पास आउट कराते हैं तो बनाता है NaHCO3। लेकिन NaHCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे, बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो कार्बोनेट बनाएगा, ये ध्यान रखो, बाइकार्बोनेट को हीट करने पे कार्बोनेट बनाएगा। इसका मतलब जब हम लोग उसको आग पे डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, तो वो हीट से रिएक्ट करेगा और Na2CO3 तो बनाएगा ही, साथ CO2 भी बनाएगा, और ये CO2 क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा आग के चारों तरफ, जो कि उसको ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देगा, और वो वापस आग जो होता है वो बुझ जाता है। सोडियम पोटेशियम का जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको दिखता है 70 किलो के आदमी में 90 ग्राम ऑफ सोडियम होता है, 70 ग्राम ऑफ पोटेशियम होता है, और 5 ग्राम आयरन, और 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। आगे चल के हम लोग यही डाटा देखेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए। कैल्शियम जो होता है 1.2 kg के आसपास होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, और ये पता होना चाहिए आपको, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सोडियम पोटेशियम, जैसे पोटेशियम जो होता है ज़्यादातर रिएक्शन में यूज इस्तेमाल होता है, जहाँ भी ATP का प्रोडक्शन हो रहा होता है या फिर ATP को हम लोग तोड़ रहे होते हैं। पोटेशियम आयन मैक्सिमम, मतलब क्या होगा कि बोले कि मैक्सिमम इंजाइम का एक्टिवेटिंग या फिर मेटल आयन जो होता है वो कौन सा है जो उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, तो पोटेशियम है। सेल के अंदर बहुत पोटेशियम मात्रा है, सेल के अंदर जो पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये हम लोग को जो न्यूरल सिग्नल होता है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी बनाने में हेल्प करता है ये हम लोग को, ठीक है ना। ये फिर आगे इंसर्ट एक पॉइंट देता है क्या कि थोड़ा कंसंट्रेशन का बात किया होता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है एनसीटी के द्वारा कि 1/3 ऑफ ATP जो होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी अगर कोई रेस्टिंग एनिमल है तो 1/3 ऑफ ATP जो होता है सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, जो कि एक तरह का एक्टिव पंप है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वहाँ पे एनर्जी खर्च होती है यानी ATP खर्च होती है, तो वहाँ पे 1/3 ऑफ ATP जो हमारे बॉडी में रेस्टिंग एनिमल में बन रहा होता है वो इसी सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। आते हैं अब ग्रुप टू एलिमेंट्स पे, तो आई थिंक सो ग्रुप टू एलिमेंट्स को हम लोग अभी शुरू करेंगे, ठीक है ना, एक ही वीडियो में कर लेते हैं।